रामायण के रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती उल्लासनगर में विभिन्न स्थानों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाई गई। महर्षि वाल्मीकि के नाम से सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने चौक और मंदिर बनवाया गया है। यह हर साल की तरह इस साल भी भव्य कार्यक्रम रखा गया था। महर्षि वाल्मीकि महाराज के इस जयंती के शुभ उपलक्ष्य में मैं बधाई देता हूं। और आज जो ये इस भाटिया चौक उल्लासनगर 5 में एक सर्व जातीय धर्म का जो कार्यक्रम वाल्मीकि जयंती का मनाया है, उसके लिए मैं इस आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा और शांति तरीके से कार्यक्रम मनाया है। मैं चाहता हूँ कि जैसे वाल्मीकि जयंती इस चौक पर मनी है, सारे उल्लासनगर में इसी प्रकार से मनाई जाए। भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न धर्म के लोग जमा होकर वाल्मीकि ऋषि की जयंती मनाए, क्योंकि आपको पता होगा कि श्री राम जो भगवान हम मानते हैं, जब वो पैदा नहीं हुए उसके पहले उनकी गाथा लिखने वाला एक आदि कवि जो इस विश्व के अंदर सबसे बड़े काव्य माना जाता है, वो रामायण का जो रचयिता थे वो श्री वाल्मीकि जी थे, जिनका कि आज भी इतिहास है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिख दी वो श्री राम के जन्म के पूर्व लिखी गई थी। मैं सभी को बधाई दूंगा फिर से एक बार कि आने वाले जयंती के अंदर इससे भी अच्छा कार्यक्रम इस भाटिया चौक पे हो, इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है। हर शहर हर गांव हर राज्य में भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और आज उल्लासनगर के 5 नंबर भाटिया चौक पर युवा विंग के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष वासु कंडारी जी के माध्यम से उनकी पूरी टीम के माध्यम से यहाँ हर वर्ष ये कार्यक्रम लगाया जाता है। मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा, साथ ही साथ शहरवासियों को और देशवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की बधाई दूंगा। उसी के साथ साथ आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि शाम को 9:15 बजे महर्षि वाल्मीकि चौक जो शहर के अंदर बनाया गया है अखिल भारतीय वाल्मीकि न्यूज संघ के माध्यम से, वहां पर महाआरती का कार्यक्रम माननीय मोहन कंडारे जी भारत प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से वहां पर कार्यक्रम लगाया गया है। मेरी आप सभी से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गवारों से, सभी से प्रार्थना है कि 9:15 बजे वाल्मीकि भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक पर पहुंचकर जो महाआरती का कार्यक्रम है उसमें सहभागी हो और वहां पर प्रसाद ग्रहण करें, आरती करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं बोलतो हे एक जातीवर न निर्भर न करता सर्व जाती बंधूंनी एकत्र येऊन हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साह साजरा केला पाहिजे, अशी सर्व म्हणजे नगरवासियांना माझी नम्र विनंती आहे। आणि हा कार्यक्रम असा मोठा उत्साह, जसा श्रीरामचंद्रांचा उत्साह हा कार्यक्रम होतो, तर त्या रामचंद्रांची गाथा ज्यांनी सांगितली, ती गाथा ज्यांनी सांगितली त्यांचाही त्या कवींचाही म्हणजे मोठा उत्साह, वाल्मिकींचा आपल्या महर्षी वाल्मिकींचा मोठ्या उत्साहात सण साजरा करावा, शहरवासियांना नम्र विनंती आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।